हेलो, नमस्कार दोस्तों। मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे लौकी से पकोड़े। तो देख ही सकते हो, ये हम मसूर दाल ले लिए जो कि हम 1 घंटा पहले भिगो दिए हैं, क्योंकि हमें जल्दी था तो इसलिए हम इसको 1 घंटा पहले भिगोए। आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। इसमें हम कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं, क्योंकि जीरा है, धनिया पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक है और लाल खड़ी मिर्च है जो कि 3 ले लिए हम। आप हरी वाली मिर्च भी डाल सकते हो, लहसुन अदरक खाते वो भी डाल सकते हो। और ये धनिया है जो कि खड़े वाले है, सूखे वाले, जिसे हम पीस लेंगे अच्छे से। तो देख ही सकते हो, ये हमारा पीस गया है। ये ज़्यादा गाढ़ा बैटर भी नहीं चाहिए हमें, ना ज़्यादा पतला चाहिए, मीडियम में हमें रखना है। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा ये बैटर रेडी हो गया, तो इसे हम साइड में कर देंगे। तो 2 लौकी लिए हैं कि जो कि हमारा देखिए ऊपर से कितना खराब हो गया है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि ये रखे रखे दाग भी पड़ जाता है, सब्जी कोई खाना नहीं चाहता। तो इसलिए हमें याद आया कि आज हम कुछ पकौड़े बना देते, बच्चे खा भी लेंगे, क्योंकि सब्जी तो कोई खाता नहीं है, तो बड़े लोग को खा लेते, बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। बहुत टेस्टी होता है, बच्चे खा भी लेंगे। तो ये हम पतला पतला काट लिए हैं। तो देखिए अब इसे हम एक पानी से धो लेंगे, नहीं तो ये काला पड़ जाता है, तो इसे हम एक पानी से धो लेंगे। तो धो लिए, तो हमारा बैटर, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, आप जितना तीखा खाते हो उतना डाल सकते हो, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, क्योंकि बच्चे को खाना है इसलिए हम ज़्यादा तीखा नहीं डाल रहे। आप अपने स्वाद अनुसार बना सकते हो, जितना तीखा खाते हो, जैसे चटपटा खाते हो तो लहसुन अदरक अच्छे से डाल दो तो चटपटा और हो जाएगा, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो इसलिए हम थोड़ा कम कम मसाले डाले हैं। आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हो। तो ये हम अच्छे से इसको ऊपर से कवर कर देंगे। आपको डीप फ्राई करना है तो आप अच्छे से कढ़ाई ले लीजिए, उसमें तेल गरम करिए, फटाफट हो जाएगा। देखिए एक एक करके हम पूरे तावे में डाल दिए हैं, ये फटाक से हो जाता है, टाइम नहीं लगता इसमें, क्योंकि ये दाल का है तो फटाफट हो जाता है। देखिए कितना अच्छे से ये पक गया है, इसमें टाइम नहीं लगता है, लौकी ऐसे भी सॉफ्ट होता है। तो देखिए हमारा दोपहर का खाना, बाकी हम बाद में फ्राई करेंगे, तो ये हम दोपहर का खाना बनाए हैं। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।